प्राचीन काल में सबसे पहले यहां पर, और बड़ी अजीब बात है कि मुसलमानों की परंपराओं में कुरान शरीफ की कॉमेंट्रीज और तफसीरों के अंदर एक जगह नहीं बड़ी जगह जगह बहुत सी आयतों की कॉमेंट्री के अंदर ये हमें ट्रेडिशंस मिलती हैं, ये परंपराएं मिलती हैं, ये हदीसें मिलती हैं कि दुनिया में सबसे पहले इंसान और सबसे पहले जो सबसे पहले इंसान थे वही सबसे पहले प्रॉफिट या नबी थे, ईशदूत थे, स्वर्गलोक से उनका आगमन हुआ तो इस धरती पे हुआ जो भारतवर्ष कहलाती है वो यहां पर उतरे। मुसलमानों से मैं सवाल करता हूं जगह जगह कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अंतिम ईशदूत कहते हैं, ये शब्द अंतिम जब साथ में लगाते हैं तो कोई पहला भी होगा, कुछ बीच में भी होंगे, संस्थापक तो नहीं हुए, वो बानी तो नहीं हुए, फाउंडर नहीं हुए, जो अंतिम है वो फाउंडर नहीं होगा। तो इस्लाम का के जब ये आखिरी पैगंबर थे तो इस्लाम का पहला नबी कौन था? सिंपल सा जवाब है, एक बड़ी तादाद जानती इस बात को, कहते हैं हजरत आदम, एडम, हजरत आदम, उसे अंग्रेजी के अंदर बाइबल में उनके लिए एडम आया है। और लोग समझते हैं सिर्फ बाइबल में आया, भविष्य पुराण में भी शब्द है, मूल संस्कृत में आदम है। आदम इस्लामी परंपराओं या मुसलमानों की परंपराओं के अनुसार इस देश की धरती पर आए जब स्वर्गलोक से उनका आगमन हुआ, जब जन्नत से जब उनको उतारा गया तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया, मानवता यहां से शुरू हुई। और सिर्फ मानवता शुरू नहीं हुई, जब इस्लाम के पहले नबी और पहले पैगंबर थे तो इस्लाम यहां से शुरू हुआ, भारतीय मूल का धर्म है। ये एक सीरीज है, ये एक श्रृंखला है जिसके अंदर बहुत से नबी आए, बहुत से ईशदूत आए, बहुत से पैगंबर आए, और जिसके आखिरी ईशदूत या आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो अरब देश में आए, वो देश वो धर्म जो इस देश की धरती से शुरू हुआ। आदम पहले नबी, उनका नाम, उनके नाम का मूल या मादा जिसे हम कहते हैं वो अरबी भाषा में नहीं मिलता आदम का। लोग फिर ढूंढा गया और तलाश किया गया कि फिर ये कौन सी भाषा का शब्द है, जहां के रहने वाला है वहां की भाषा में, वहां की जबान में उसका नाम होगा, तो कौन सी भाषा का फिर ये शब्द है? देखा गया इससे पहले हिब्रू में, इब्रानी जबान में, इब्रानी भाषा में भी इसका मूल नहीं मिलता, इससे पीछे देखा नहीं गया। संस्कृत में आदि कहते हैं पहले को, सबसे पहला, और जब नाउन होता है तो उसके अंदर मां बिंदी एक एक्स्ट्रा मां की आवाज देती है, आदिम माने सबसे पहला। यह उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन का फर्क है जो हर 200 किलोमीटर के ऊपर 100 किलोमीटर पर बदल जाता है। एडम, आदम, आदिम, नाम भी यहीं की जबान में, उसका मूल भी यहीं पर मिलता है। ये पहले नबी थे और पहले पैगंबर थे, ये एक सीरीज है जो चली आ रही है जिसका अंत यहां पर हुआ।